जब आपकी तरह बड़ी हो जाऊंगी ना तो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। अगर बिना गलती के मुझे डांटेंगी तो बिल्कुल मैं नहीं सुनूंगी। मुझे कोठरी में बंद करके दिखाएं वो। और जो दिखा दिया बंद करके तो क्या कर लेगी बोल। मुझ पर क्यों बिगड़ रही है आप? मैंने क्या किया? चुप। आंखें अपनी माँ को दिखाना, हमारे को नहीं। हमारे से ज्यादा जमान लड़ाने की भी कोशिश मत कर, समझी? तो भाभी को भी मत किया। सुनना, चुप हो जा। अपने बड़ों को उल्टा जवाब देते हैं क्या? अरे सुमित्रा, ये तो उस बिगड़ी हुई छोरी का असर है। हाँ, इसकी संगत में ये बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। आज तक जो मुंह ना खोलते थे ना हमारे सामने, देखो कैसे जवाब दे रहे हैं। और ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखती जा, कह कह रंग दिखाती है जे छोरी। तो कुछ भी बोलती रहती है। मुंह बंद कर सुगना, क्यों अपनी माँ को लजा रही हो? सिखाया मैंने तुझे कि अपने से बड़ों को पलट कर जवाब दे, वो दादी है तेरी। तो क्या वो कुछ भी बोल रहेगी? बस सुनना, बस। इस घर में और अशांति मत फैला। मत रो, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी आज के बाद। माँ क्या हुआ रे जगिया, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? घर वाली से झगड़ कर आया क्या? वो बेचारी कैसे झगड़ेगी, उसे तो दाईसा ने कोठरिया बंद कर रखा है। क्यों? बस ऐसे दाईसा को गुस्सा आ गया तो बंद कर दिया, कुछ खाने को भी नहीं दिया उसे। वो बेचारी कब से रोए जा रही है। मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं सुना। क्या बिंदड़ी किसी की और हुक्म चलाए कोई और? तेरी घरवाली को तेरी दादी कैसे डांट सकती है रे? घरवाली पे तो घरवाले का अधिकार होता है और किसी का थोड़ी ना होता है। हाँ, उसे तो बस तू ही डांट सकता है। अरे जो जी मैं सजा भी दे सकता है, दादी कौन होती है? सच्ची कह रहा है तू? हाँ, और नहीं तो क्या, जा जाकर बोल दे अपनी दादी से, बच्चा नहीं है तू, ब्याह हो गया तेरा। लेकिन मैं कैसे? जरा रौब दिखाया कर घर में जा। क्या ऐसा थोड़ी कि तेरी दादी ने तेरी भिड़नी को बंद कर दिया और तू यहाँ बैठ गया रोनी सूरत बना के। अरे कुछ बोलेगा नहीं तो एक दिन तुझे ही बंद कर देगी तेरी दादी। दादी से बात करने की हिम्मत नहीं तो जाके बापू से कर ले। ठीक कह रहा है तू, मैं भी जाके बापू से बात करता हूँ। बापू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलना बेटा, क्या चाहिए मेरे लाडले को? कुछ नहीं। तो फिर बापू, दादी सा ने आनंदी को कोठरी में क्यों बंद कर दिया? मुझसे पूछे बगैर ही, मैं उसका बींद हूं ना, तो मेरी घरवाली पर दादी सा कैसे हुकुम चला सकती है? तो सही कह रहा बेटा, आनंदी तेरी घरवाली है, जो दादी सा है ना वो इस घर में सबसे बड़ी है, मुझसे भी बड़ी, तेरी माँ से, ताया सास से, तो चाहे तो किसी को भी डांट सकती है, चाहे तो मेरे और भाई सा के कान भी खींच सकती है, और फिर आनंदी तो उनके सामने बच्ची है ना। वो सब मैं नहीं जानता, ताया सा को बोलो कि आनंदी को जल्द से जल्द कोठरी से बाहर निकाले, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और अपने आप को कोठरी में बंद कर दूंगा। चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी दादी को मना लूंगा, कह दूंगा उनसे मैं कि वो जल्दी से आनंदी को बाहर निकाल दें, वरना उनका ये जो लाडे सर है ना, ये भूख हड़ताल कर देगा। ठीक है बेटा? ठीक है। अब और
और क्या बात करने आया तू? अगर अपनी बींदनी के लिए दया की भीख मांगने आया है ना, तो रहने दे भैरव। उस बींदनी के कारण तू कोड़ी का मदन सिंह घर में घुस गया, इज्जत के चिथड़े उड़ा दिए। ऐसे ही मनमानी करती रही ना थारी बींदनी, तो एक दिन पूरी की पूरी बिरादरी खड़ी हो जाएगी हमारे खिलाफ। अरे तलवारें निकल आएंगी ना भैरव। अपने जीते जी अपने खानदान की दुर्गत मैं ना होने दूंगी। बाकी हमारे मरने के बाद जो करना है कर लेना। आनंदी मेरी बींदियां ना दाई सा, वो की गलती करेगी तो मैं उसे डांटूंगा। आपने क्यों बंद कर दिया? चलो बाहर निकालो उसे। अरे जमीन से होगा नहीं, हमारे पे हुक्म चला रहे। देख बैरो कैसे अपनी घरवाली की, इसी दिन के लिए इतना लाड प्यार दिया था थारे को, हाँ? जो अपनी घरवाली की तरफ से बोल रहा है, हमारे से जबान मत लड़ाना। हाँ इतनी हिम्मत तो थारे बापू में भी ना है। चल भाग यहाँ से। छोटा हूँ इसलिए डांटती हो ना, बड़ा जाए दो आपको ही बंद कर दूंगा, वो भी सांप वाले कोठरी में। महीने भर तक खाना भी नहीं दूंगा। जगदीशा चुप। अरे थारे बापू का नहीं खाती हूँ मैं। हाँ बहुत जोड़ कर गए थारे दादा साहब हमारे लिए, जगदीशा। औलाद हरे होती ना, सुबह से कुछ खाने के लिए नहीं दिया।